घर पे होंगे, सेफ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम सीरीज़ एक स्टार्ट किए थे जिसमें हम लास्ट वन ईयर के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे थे, किसके लिए, जो आपका 8 मई को BPSC प्री का एग्ज़ाम है और जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए जो भी करंट अफेयर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम उसको डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने नेशनल इवेंट्स में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे लास्ट 2 वीडियो में हमने देखा। और आज भी हम आगे चर्चा करेंगे कि आज क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या नहीं। बाकी मैंने एक चीज़ देखा कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम की कमी है, तो उसके लिए मैं एक काम करूँ, इम्पॉर्टेंट तो सब है लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो उससे थोड़ा कम है उसको बाद में, जो उससे थोड़ा कम है उसको बाद में। अगर इस चीज़ को मैं देखती हूँ तो इस क्रम में, इस सीरीज़ में सबसे पहले पे आता है आपका बजट। बजट और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और बिहार का है तो बिहार का बजट और बिहार का भी हमें इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा, और बल्कि हम सेंट्रल बजट और सेंट्रल का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए, कॉपी पे निकाल लीजिए। हाँ, मेक श्योर आप इससे पहले इकोनॉमी के आपको जो बेसिक टर्म्स हैं वो पता हो, क्योंकि आपको अगर बेसिक टर्म्स पता है तो यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं पता कोई बात नहीं, आप मैं जितना कोशिश हो सकेगा कर पाऊँगी, मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँगी। और जैसे मैं पहले भी बोलती हूँ कि एक बार में समझने से कोई चीज़ समझ नहीं आती, एक बार आप यहाँ से वीडियो देख लो, फिर जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर लो, वहाँ से आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें एकदम ही क्लियर हो जाएंगी और अच्छी तरीके से समझ पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं अपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर, यानी कि हमारा जो बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है, जिसमें सेंट्रल बजट 2022 और 23 को देखेंगे, ठीक है। चलिए 1 फरवरी 2022 को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट का अनुमान वर्ष 2022-23 का आकार 39.45 लाख करोड़ रुपये है। कितना है? 39.45 लाख करोड़। सरकार द्वारा कुल 39.45 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति एवं इतनी ही राशि का व्यय किया जाएगा, ठीक है। इतनी राशि उनको प्राप्त होंगी, इतनी ही राशि वो खर्च करने पे होगा, इतना अनुमान किया गया है। कुल प्राप्तियों की यदि राजस्व और पूंजीपत गत प्राप्तियों में बांट दिया जाए तो कुल प्राप्तियों में 55.88% हिस्सा जो है वो राजस्व प्राप्ति, तो टैक्स वगैरह उनको मिलता है वो है, जबकि शेष जो है 44.12% हिस्सा पूंजीगत प्राप्तियों का है, ठीक है। इस तरह कुल व्यय में से 80.98% राजस्व खाते पर, जबकि मात्र 19.02% पूंजी खाते पर व्यय करने का अनुमान है। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। उपयुक्त आंकड़ों को देखकर एक बात तो स्पष्ट है कि भारत सरकार की न लौटाने योग्य प्राप्ति, जिसे आय भी माना जा सकता है, कुल बजट का कितना प्रतिशत है? 55.88% है, जबकि अनुपातक व्यय कितना है? 80.98% है। देखिए फैक्ट है, ये आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है, आपको रटना ही पड़ेगा। ऐसे में भारत में घाटे की स्थिति तो स्वाभाविक ही है, तो एक नज़र सरकार के बजटी घाटों पर भी डाल देते हैं। घाटा तो हो ही रहा है, लेकिन देख लेते हैं कहाँ कितना घाटा हो रहा है, राजकोषीय घाटा कितना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। आपका फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा 2022-23 के बजट में 16.61 लाख करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा अनुमानित है, कि मतलब 16.61 लाख करोड़ रुपये का घाटा होगा ही होगा, ये अनुमान कर दिया गया है। ये कितना है? जो वर्ष की है ना, ईयर की जो GDP है, पूरे GDP का ये 6.4% है। गॉट इट? वर्ष 2022-23 है तो अनुमानित भारत का राजकोषीय घाटा की अगर बात कर लें, लास्ट ईयर की बात करते हैं, तो वो 15.91 लाख करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 70.11 हज़ार करोड़ रुपये अधिक है, ठीक है। पिछले साल से इस साल घाटा अधिक हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पे देख लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? अभी हमने देखा था फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा, अब हम देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट कितना है यानी कि राजस्व घाटा। राजस्व घाटा वर्ष 2022-23 हेतु प्रस्तुत बजट में 9.90 लाख करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित है, जो वर्ष 2022-23 हेतु GDP का 3.8% है। कितना प्रतिशत है? 3.8%। रेवेन्यू डेफिसिट कितना हुआ है? 9.90 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। अब हम प्रभावी राजस्व घाटा की बात कर लेते हैं, तो इन यहाँ भी हम 22-23 की बात करें, ठीक है। अनुमान किया गया है कि GDP का 2.6% घाटा होगा प्रभावी राजस्व घाटा में, और अगर हम पिछले वर्ष से बात कर ले तो ये कम है, पिछले वर्ष ज़्यादा हुआ था, अभी कितना कम है? ये 1.78 लाख करोड़ रुपए कम है,
गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं प्राइमरी डेफिसिट यानी कि प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा की 2022-23 में हम बात करते हैं तो ये GDP का मात्र 2.8% है। कितना प्रतिशत है? 2.8%। यही अगर हम पिछले वर्ष यानी हम लास्ट वर्ष से कंपैरिजन करें तो यह है कितने रुपए कम है? 56.75 हज़ार करोड़ रुपये कमी, यानी कि लास्ट ईयर ज़्यादा घाटा हुआ था, इस ईयर थोड़ा कम है। ठीक, ये यहाँ पे थोड़े से कुछ ग्राफ है, मैं आपको PDF दे दूँगी, आप वहाँ से इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। नीचे जो लिखा हुआ नोट, कुल व्यय में करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा शामिल है, यानी कि जितना भी उसमें राज्य भी शामिल हैं, सिर्फ सेंट्रल की बात नहीं हो रही, कुल प्राप्तियों में करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा शामिल है, आंकड़ों को पूर्णांकित किया गया है। ये सारी आप देख लीजिएगा कि प्राप्ति के स्रोत कहाँ कहाँ से बजट में प्राप्ति हुई है, कर मिला है विभिन्न राजस्व 5%, ऋण विभिन्न भिन्न पूंजी प्राप्ति जो मिली है वो 2% मिली है, उधार और अन्य देयता है जो देना है उधार वगैरह हमें निपटाना है वो 35% मिला है, निगम कर की बात कर लें 15% मिला, आयकर आपका 15% मिला है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7% मिला है, GST की बात करें तो 16% मिला है, सीमा शुल्क 5% मिला है। ये तो यहाँ से ये सोर्सेज से हमें मतलब पैसे मिलते हैं सरकार को। और व्यय के संघटक मतलब ये जहाँ पे पैसे जाने हैं, यहाँ से तो पैसे मिल गए इन सोर्सेज से, अब यहाँ से पैसे जाने हैं तो पैसे हमें कहाँ कहाँ जाना है? केंद्रीय प्रायोजित योजना जो सेंट्रल की स्कीम्स बनती है, केंद्रीय क्षेत्र योजना जो भी स्कीम्स जाती हैं उस पर भी जाएगा, ब्याज अदायगी, इंटरेस्ट रेट वगैरह जो लेते हैं सरकार कर्ज लेती है उस पर इंटरेस्ट जो पे करती है वो, रक्षा पे सेफ्टी पे भी 8% जो भी जाएगा ही जाएगा, आर्थिक सहायता सब्सिडीज़ पे भी जाता है जो पैसा व्यय किया गया है, वित्त आयोग और अन्य अंतरण पे भी जाएगा, करों और शुल्कों में राज्यों का राज्य का भी तो हिस्सा बनता है तो राज्य को भी 17% हिस्सा जाएगा ही, पेंशन तरह तरह के पेंशन मिलते हैं तो उस पर भी 4% जाएगा और अन्य व्यय में 9% जाएगा। ये सारा 22-23 का जो व्यय का है कि मतलब यहाँ से हम पैसा मिलेगा इन इन स्रोतों से, मतलब यहाँ से हम बात करें यहाँ से इन इन स्रोतों से पैसा मिलेगा, यहाँ से पैसे का आना है और यहाँ पे जाके इसको ख़त्म कर देना, ख़त्म इन द सेंस यहाँ पे जाके पैसे का व्यय होगा। ये पूरा ऑल ओवर बजट है, हमने देख लिया कि बजट में घाटा किसका हुआ है, सेंट्रल बजट अभी हम देख रहे हैं, ठीक है, कितना प्रतिशत हमें राजस्व मिला है, राजकोषीय घाटा कितना हुआ है, राजस्व घाटा कितना हुआ है, प्रभावी राजस्व घाटा की हमने बात कर ली, प्राथमिक घाटा की बात कर ली, ठीक है, बाकी हमने ये देख लिया कि बजट में कहाँ कहाँ से हमें जो प्राप्ति के स्रोत है, कहाँ कहाँ से पैसे हमें मिलने वाले हैं, कितना प्रतिशत मिलने वाला है और कितना प्रतिशत हम घटाने वाले हैं, कितना प्रतिशत हम व्यय करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। प्लीज़ यहाँ से एक बार देखने के बाद, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ मैं, आप एक बार जाके PDF अच्छे से पढ़िएगा और जिसमें डाटा है ना उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, उसको नोट्स बना लीजिएगा छोटे छोटे और उसे याद कर लीजिएगा, वो मेरे बोलने से आपको याद नहीं होगा, उसे आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आ गया कर और सब्सिडी, ठीक है, टैक्स और सब्सिडी की बात करें, बजट की अगर अनुमान करते हैं 22-23 में जो सकल कर है ना वो 27.58 लाख करोड़ रुपये है। कितना है कर जो है अगर हम 22-23 की बात कर रहे हैं वो कितना है पूरा मिला के? 27.58 लाख करोड़ रुपये। अब इसके सारे सारे पार्ट है, कहाँ से कितना आएगा, कहाँ से कितना आएगा, कहाँ से कितना कितना कितना, ठीक है। सकल कर राजस्व GDP का 10.7% है, उसमें प्रत्यक्ष कर कितना है GDP का 5.5, अप्रत्यक्ष कर भी यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसमें ये बताया गया, फिर इधर से प्रत्यक्ष कर 51.49% बताया गया, अप्रत्यक्ष कर 48.51% बताया गया है, ठीक है। शीर्ष तीन कर राजस्व यानी कि जो सबसे हाईएस्ट जो तीन कर हैं यानी तीन टैक्स जो सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो ये तो GST से मिलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर से, दूसरा निगम कर से और तीसरा आई यानी इनकम टैक्स से, इस पे मिलते हैं। बाकी अब इधर देख लेते हैं जो बजट का अनुमान है, राज्य को हस्तांतरित कितने रुपए हैं? 8.17 लाख करोड़ रुपए हैं। राष्ट्रीय आपदा की बात करें तो 6.40 हज़ार करोड़ रुपए हैं और केंद्र की शुद्ध पर आय की बात करें तो 19.35 लाख करोड़ रुपए हैं। ये हमने कर की बात कर ली, ठीक है, टैक्स की बात कर ली कि कहाँ कहाँ से कितने टैक्सेज आने हैं और कहाँ कहाँ पर कितने टैक्सेज जाने हैं, ठीक है, गॉट इट। अब आपको शायद मैं इस बात समझ में आ रही हूँ। बाकी यहाँ सब्सिडी की हम बात कर लें तो कुल सब्सिडी कितनी है यहाँ पे देख लेते हैं, 2021-22 के अनुसार 4,87,871.82 करोड़ और 22-23 के अनुसार अगर हम बात करते हैं 3,55,638.61 करोड़, यानी कि 27.10% की कमी है, ठीक है, 21-22 में ज़्यादा था और अभी जो सब्सिडी है उसमें 27.10% की कमी है,
ठीक है। अब इसमें देख ले सब्सिडी कितने मिला, 96.3% जो है ना खाद्य हो गया आपका, उर्वरक पेट्रोलियम में ब्याज भुगतान पर जा रहा है खाद्य। और ये जो नीचे का बात हम बता रहे हैं जो अनुमानित है सब्सिडी, खाद्य मद सब्सिडी पे जो है ना 58.16 जा रहा है, यूरिया पे 17.78 जा रहा है, बाकी पोषण आधारित सब्सिडी की बात करें तो 11.81 जा रहा है, LPG सब्सिडी 1.63% जा रहा है। ठीक है, ये डाटा है, आप एक बार यहाँ से मैंने आपको समझा दिया, एक बार आके आप PDF से देख के क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमने बात कर लिया अपने बजट की, अब हम चलते हैं अपने ब्याज भुगतान की बात करने। ब्याज भुगतान यानी इंटरेस्ट पेमेंट भी तो करना है हमें, बजट में इसका भी दिया गया है। वर्ष 2022-23 में ब्याज भुगतान हेतु लगभग 9.41 करोड़ यानी 4,01,00,000 रुपए अनुमानित हैं। ठीक है, अगर हमें ब्याज जो भुगतान करना हो उस पर 9.41 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। 21-22 की अगर बजट की बात कर लें तो यह कितनी थी, 8.01 लाख करोड़ थी, यानी कि उस लास्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ 8.01 लाख करोड़ रुपए की वो हमने भुगतान किया था, इंटरेस्ट पे किया था, लेकिन इस समय 16.17% उससे अधिक है। ठीक है, 16.17% लगभग, जबकि उसी वर्ष के संशोधित अनुमान से लगभग 15.5% अधिक है। विगत वर्षों में ब्याज यानी लास्ट वर्षों में जितने भी लास्ट वर्ष बीत रहे हैं ब्याज भुगतान राशि में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति हो रही है, मतलब जितने में इंटरेस्ट पेमेंट है हम उसमें वृद्धि हो रही है, कमी नहीं हो रही। अब यहाँ से देख लें 2022-23 के लिए प्रमुख मदों पर व्यय, मतलब किस किस चीज़ पर व्यय हो रहा है। पेंशन पे कितना जाएगा, पेंशन पे भेजा जाएगा आपका 2,07,132, रक्षा पे जाएगा आपका 3,85,370, जिस शिक्षा पे एजुकेशन की बात कर लें हम तो एजुकेशन पे जाएगा 1,04,278, ऊर्जा की बात कर लें तो 49,220, स्वास्थ्य की हम बात करते हैं 86,606, अगर हम गृह की बात करते हैं तो 1,27,020। ठीक है, इतने खर्चे हैं करोड़ में, ये करोड़ की बात है। ब्याज की बात कर लें अगर हम, ब्याज हमारा जा रहा है 9,40,651, और ग्रामीण विकास की बात कर लें जो रूरल डेवलपमेंट है उसकी हम बात करते हैं तो 2,06,293, और अगर हम सामाजिक कल्याण की बात करते हैं तो 51,780, और राज्यों के अंतरण की अगर हम बात कर रहे हैं तो 3,34,339, और अगर हम परिवहन की बात कर रहे हैं तो 3,51,851, और पूरा अगर हम अर्बन डेवलपमेंट की बात कर लें तो उसमें 76,549। अगर हम टोटल बात करते हैं ना टोटल, तो आपका टोटल पूरा हो जा रहा 39,44,909, इतने करोड़ रुपए का हमें पेमेंट करना है 22-23 में। ठीक है, कितना, 39,44,909, गॉट इट, अब आपको समझ में आ गया होगा। बजट अनुमान की हम बात करते हैं तो 22-23 में प्रमुख योजनाओं के लिए, योजना पे कितने कितने बजट कितने मतलब बजट लिया गया है किस इस स्कीम्स के लिए, जब हमने लास्ट किया था डिस्क स्माइल योजना उस पर भी तो बजट आवंटित हुई थी, मतलब मैं एग्जांपल की तरफ बता रही हूँ कि इस स्कीम के लिए इतना बजट आवंटित किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात कर लें तो इतना है, जल जीवन मिशन के लिए इतना है, अभी आत्मनिर्भर भारत योजना भी चल रहा है उसके लिए इतना, मतलब सम अमाउंट जो भी बजट है, तो फिर वो हम देख रहे थे किस किस योजना के लिए कितने बजट का आवंटन किया गया है। तो आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात कर लें तो 34,947 करोड़ रुपए कब आवंटित किया था, गया था लास्ट ईयर 21-22 में, अभी ये थोड़ा सा बढ़ा के 37,800 करोड़ रुपए कर दिया गया इस बजट में। हम जब भी बजट पढ़ेंगे, हम इस साल का भी बजट पढ़ेंगे और पिछले साल का जो बजट निकला था उससे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, बजट पढ़ते वक्त, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि हम इस साल का जो बजट है इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं उसे पिछले साल का भी हम बजट और इकोनॉमिक सर्वे कंपेयर करेंगे, क्या चीज़ें बढ़ी हैं क्या चीज़ घटी हैं, एजुकेशन पर कितना बजट गया है आपका, हेल्थ पर कितना जा रहा है, जो स्कीम्स हैं उस पर कितना जा रहा है, अपनी GDP में कितना ग्रोथ हुआ है, डेफिसिट कितने हो रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, सॉरी वही मैं बोल रही थी कि ये सारी चीज़ें देखनी है। हम कहाँ थे, सॉरी, हाँ जी मैंने बता दिया। अब जल जीवन मिशन की हम बात करते हैं, जल जीवन मिशन पे आपका 45,011 यानी कि 45,011 करोड़ रुपए आपके 19-20 में खर्च हुआ था। वॉट इज दिस, हाँ 45,011 करोड़ रुपए आपकी 19-20 में खर्च हुआ था, सॉरी
हाँ जी 45,011 आपका 19-20 में खर्च हुआ था, और अगर हम 21-22 की बात कर लें तो 60,000 करोड़ रुपये अनुमानित है कितना हो जाएगा। और अगर हम एजुकेशन की बात करें, जो नेशनल स्कीम है आपकी, नेशनल शिक्षा मतलब नेशनल एजुकेशन मिशन जो किसकी बात हम कर रहे हैं, उसका 21-22 में आपका 30,796 था, 22-23 में इसमें भी वृद्धि करके 39,553 कर दिया गया है, ठीक है। बाकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो 14,000 करोड़ रुपये था, अभी 19,000 करोड़ रुपये खर्च किया गया। पीएम किसान की बात करें तो 67,500 था, अभी 500 करोड़ रुपये और बढ़ाकर 68,000 करोड़ रुपये कर दिया गया। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की बात करें तो 5,000 करोड़ रुपये था, अभी 64,000 करोड़ रुपये कर दिया गया। और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा यानी कि हेल्थ की स्कीम की जो चल रही है उसकी बात करें तो पहले 7,700 करोड़ रुपये था, अभी 10,000 करोड़ रुपये कर दिया गया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। मैं कम से कम शब्दों में, मैं नहीं कह सकती, इजी से इजी वर्ड में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्या पता है किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। बाकी चलते हैं आगे। बजट घोषणा 2022-23 में बजट की घोषणा की गई थी, ठीक है। 1 फरवरी 2022 को प्रस्तुत बजट में भारत ने 75 से 100 तक के अमृतकाल यानी कि 75 साल हो गए, अभी 100 साल के बीच में जो 25 वर्षों का गैप है उसे अमृतकाल महोत्सव मनाया जा रहा है। उसमें क्या है कि अर्थव्यवस्था को दिशा देने हेतु बुनियादी ढांचा तैयार करने तथा उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया गया है, ठीक है। वर्तमान में देश अमृत महोत्सव आज़ादी का 75वां वर्ष मनाते हुए अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है, ठीक है। हमने 75 वो बना चुका, हम अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं। 25 वर्षों की लंबी यात्रा के बाद देश भारत जो है ना 100 पर पहुंचेगा। भारत 100 पर दृष्टिकोण का निर्धारण प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 के अवसर पर किया गया था, जो वर्ष 21-22 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% अनुमानित है। अमृतकाल के जो लक्ष्य है ना, अमृतकाल महोत्सव चल रहा है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये एक पेपर में आ सकता है, इसलिए हम अमृतकाल के लक्ष्य भी देख लेते हैं। इसके लक्ष्य क्या क्या है, गोल क्या क्या है, इसके अगर हम गोल की बात करते हैं तो पहला तो जिसका गोल है सूक्ष्म आर्थिक स्तर सामग्री समावेशी कल्याण पर बल देते हुए आर्थिक विकास, जैसे कि आपके MSME हो गए, इस पे आर्थिक कल्याण पे बल देते हुए आर्थिक विकास की बात की गई है। बाकी आपका प्रौद्योगिकी हो गया, जनित विकास, ऊर्जा संक्रमण की अगर हम बात कर लें, जलवायु वर्ग जो कार्य है ना उसको भी प्रोत्साहन देने की बात की गई है। तीसरा निजी निवेश से प्रारंभ होकर बहुतायक सार्वजनिक पूंजी निवेश तक चलने वाला सचक यानी कि साइकिल, उस पे ये तीन इसके इम्पॉर्टेंट गोल हैं, ठीक है, ये करना है। बजट में विकास को प्रोत्साहित करने हेतु 4 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, ठीक है। विकास को प्रोत्साहित करने 4 प्राथमिकता की प्रायोरिटी पे 4 चीज़ को रखा गया है। पहला आपका PM गति शक्ति है, दूसरा आपका समावेशी विकास है, तीसरा आपका उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति, जलवायु परक कार्य को किया गया, और चौथा निवेश का वित्त पोषण। ये 4 चीज़ें इसकी प्राथमिकता प्रायोरिटाइज किया गया है, ठीक है। अब PM गति शक्ति की हम बात कर लें, जो 4 चीज़ें इसमें PM गति शक्ति की बात कर लेते हैं। PM गति शक्ति के अंदर पता है क्या है, 7 इंजन, जैसे आपका सड़क हो गया, रेल हो गया, एयरपोर्ट हो गया, जैसे पत्तन हो गया आपका, पत्तन इन द सेंस जो समुद्री आपका वो हो गया, सार्वजनिक परिवहन हो गया, जल मार्ग हो गया, लॉजिस्टिक अवसंरचना से संचालित हो गया, ये आपके 7 इंजन हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है ना, इसका उद्देश्य ये है PM गति शक्ति का कि जो विश्व स्तरीय आधुनिक अवसंरचना है तथा लॉजिस्टिक सहक्रिया का विकास, ठीक है, इसका इनको बढ़ावा देना है, इन सारी चीज़ों को और भी ज़्यादा डेवलप करना है, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ जो है ना उसमें विकास हो, ईजी हो, कोई भी सामान ले आने ले जाने में लॉजिस्टिक में हमें उसमें इम्प्रूवमेंट हो, ये है डेवलपमेंट हो, ये चीज़ें हैं। सड़क परिवहन की अगर हम बात कर लेते हैं, सड़क परिवहन वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर अतिरिक्त जोड़ना, ठीक है। सार्वजनिक संसाधनों के संपूर्ण होते वित्त पोषण के नवोन्मेषी तरीकों से 20,000 करोड़ रुपये जुटाना। 22-23 से PPP मॉडल के तहत 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तैयार करना, ठीक है। फिर आपका रेलवे हो गया, आपका रेलवे की अगर हम बात करते हैं, ये PM गति शक्ति में ही आ रहा है। रेलवे की हम बात करें, 1 स्टेशन 1 उत्पाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनाना है, कवच का क्षेत्र विस्तार करना, और लास्ट 3 ईयर्स में जो भी हुई है नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत का विकास और विनिर्माण,
ठीक है। विगत 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल और लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल। इसी तरीके से समावेशी विकास की बात करते हैं यानी कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण की, तो वर्ष 2023 की अगर बात करें तो राष्ट्रीय कदन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। वर्ष 2023 को राष्ट्रीय कदन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। 163 लाख किसानों को ना 2.37 लाख करोड़ रुपए के MSP का भुगतान किया गया है। किसका किया गया? MSP का भुगतान किया गया है। रसायन मुक्त प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन देना हो गया। प्रथम चरण में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर के दायरे में कृषि भूमि पर विशेष ध्यान दिया गया है, ध्यान देना है। किसानों की सहायता हेतु किसान ड्रोन्स का भी प्रयोग किया जाएगा और सम्मिश्रित पूंजी से कोष की स्थापना की जाएगी। किसकी सहायता से? नाबार्ड की सहायता से, ठीक है। ये तो समावेशी विकास के अंतर्गत हो गया, बाकी ये चीज़ हमने देख लिया। फिर हम देखते हैं केन बतवा लिंक परियोजना M1। केन बतवा लिंक परियोजना ये एक नदी है, दो नदियों को जोड़ने का काम किया गया है। बाकी हम देख लेते हैं इसमें क्या है। 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से केन बतवा लिंक परियोजना की शुरुआत की जाएगी, जिसमें लगभग 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होगी। 103 मेगावाट हाइड्रो एवं 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होगा। और 21-22 यानी लास्ट ईयर की बात कर ले, उसमें 4300 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था, और 22-23 की बात करें उसमें 1400 करोड़ रुपये और आवंटित किया गया है। आगे बात समझ में। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे बजट के लिए। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी कि ECLGS, इसको बढ़ाकर ना 23 मार्च 2023 तक कर दिया गया है। गारंटी का दायरा आपका 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए तक हो गया है। अब क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस यानी MSME के लिए किया गया है। इसके माध्यम से MSME को ना 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मिल सकता है, अतिरिक्त लोन वो ले सकते हैं इसके माध्यम से। रेंजिंग एंड एक्सलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम का क्रियान्वित किया जाएगा। 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए का परिव्यय इतना होगा। गुणवत्ता पता अभी एजुकेशन और कौशल डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट की बात कर लें तो कौशल आजीविका हेतु डिजिटल इकोसिस्टम का क्रियान्वयन किया गया है। ड्रोन शक्ति की सुविधा प्रदान करने हेतु स्टार्टअप को प्रोत्साहन होगा। मन क्लास 1 TV चैनल कार्यक्रम का 12 से बढ़ाकर 200 TV चैनलों तक का इसका विस्तार किया जाएगा। अभी 12 TV चैनल पर चलते हैं, इसको 200 TV चैनल पर इसका विस्तार किया जाएगा एजुकेशन के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपना हेल्थ पे। हेल्थ की बात करें तो नेशनल डिजिटल हेल्थ स्कीम आपका है, इकोसिस्टम का कार्यान्वयन होगा। गुणवत्तापरक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल हेतु नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम का क्रियान्वयन होगा, इसकी क्रिया की जाएगी। एकीकृत ढांचा में आपके अंतर्गत मिशन शक्ति हो गया, मिशन वात्सल हो गया, सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2 का मिश्रण हो जाएगा। और वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य सेवा हेतु बजटीय आवंटन कितना है? लगभग 20,263 करोड़ रुपए। PM पोषण के अंतर्गत 10,234 करोड़ रुपए। मिशन वात्सल के अंदर 1,472 करोड़ रुपए और मिशन शक्ति के अंदर 3,184 करोड़ रुपए, ठीक है। इतने करोड़ रुपए आवंटन किया गया है अपने हेल्थ के सेक्टर में, ठीक। समावेशी कल्याण की अगर हम बात कर लेते तो हर घर यानी एवरी हाउस नल से जल, इसमें 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर करना, यानी कि 3.8 करोड़ परिवारों को इतना टारगेट रखा गया है कि हम हर घर नल से जल देंगे। कितने परिवारों को? 3.8 करोड़ परिवारों को शुद्ध जल, पीने का पानी उनको किया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। दूसरा PM आवास योजना, शहरी एवं ग्रामीण यानी शहर और ग्रामीण दोनों को ध्यान में रखते हुए कितने लाख घरों की निर्माण कार्य पूरी कराना? 80 लाख। किस वर्ष में? हम 22-23 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, मतलब 80 लाख घर बनवाने के लिए 48,000 करोड़ रुपए का बजट में दिया गया है। किसके तहत? PM आवास योजना के तहत। PM डिवाइन की बात कर लें, उत्तर पूर्व में आवश्यकता आधारित अवसंरचना एवं सामाजिक विकास हेतु 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ठीक है। और डिजिटल पेमेंट्स की बात अगर हम करते हैं तो अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना की जाएगी। ये सब समावेशी विकास के अंतर्गत हम पढ़े, पहले हमने जल का पढ़ा, फिर हमने आवास का पढ़ा, फिर हमने आधारित जो अवसंरचनाएँ होती हैं उसके बारे में पढ़ा, फिर हमने डिजिटल पेमेंट्स के बारे में देखा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम उत्पादकता, जो थर्ड है उत्पादकता। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? पहले हमने PM गतिशक्ति पढ़ा, फिर हमने समावेशी विकास पढ़ा, अब हम थर्ड पे चलते हैं अपना उत्पादकता संवर्धन एवं निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु पर कार्य। अब इसके मुद्दे वगैरह पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या है। इसमें पहला जो कारोबारी सुगमता ना 2 का क्रियान्वयन होगा,
राइट टू नो की जगह नीड टू नो के सिद्धांत का पालन होगा, ठीक है। राइट टू नो कि आपको ये जानने का अधिकार है, कि जगह नीड टू नो मतलब ये जानने की ज़रूरत है, ठीक है, अधिकार और ज़रूरत, यहाँ पे कंपल्सन आ जाता है। नीड टू नो को सिद्धांत का पालन होगा। विश्वास आधारित शासन की व्यवस्था की जाएगी। भू दस्तावेजों के आईटी आधारित प्रबंधन हेतु यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर की स्थापना होगी। 22-23 में घरेलू उद्योग से रक्षा क्षेत्र तो 68% पूंजीगत, और वर्ष 2021-22 में कितना था, 58% था, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट पे चलते हैं, जीवन की सुगमता के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, ठीक है। विश्वास आधारित शासन जो हमने पहले बता लिया। 22-23 में एम्बेडेड चिप के साथ ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। कार्बन तथा आर्थिक व्यवस्था की दिशा में ट्रांजिशन, संक्रमण की स्थिति उत्पन्न होगी। उच्च प्रभावी मॉड्यूलों के विनिर्माण हेतु उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना हेतु 19,500 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया जाएगा। और थर्मल पावर संयंत्रों में 5-7% बायोमास पायलट को जलाने का प्रस्ताव, 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड की कमी का अनुमान है। गॉट इट, आपका आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। अब चौथा चलते हैं, हमने 3 पॉइंट जो डिस्कस थे बजट में, जो 4 प्रायोरिटाइज किया गया था, हमने 3 डिस्कस कर लिया। अब 4 जो है वो है निवेशों का वित्त पोषण, चौथा नंबर क्या है, पूंजी परिव्यय को प्राथमिकता, ठीक है। वर्ष 2022-23 में 7.50 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो हमारी पूरी GDP है ना उसका 2.9% है, ठीक है। वर्ष 2021-22 में 5.54 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, कितना हुआ था, यानी कि जो लास्ट ईयर था उस समय इसके लिए पूंजी इस चीज़ के लिए 5.54 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, अभी 7.50 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रभावी पूंजीगत व्यय वर्ष की अगर 22-23 में बात करें, 10.68 लाख करोड़ रुपये का आवंटन, यानी कि GDP का 4.1% किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये निवेश की बात हो रही है, संसाधनों को जुटाना। हरित अवसंरचना के संसाधन हेतु ग्रीन बॉन्ड्स, उदीयमान क्षेत्रों के सम्मिश्र वित्त सरकार के योगदान 20% है। वर्ष 2022-23 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपए का संचालन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, राज्यों को और अधिक वित्तीय गुंजाइश प्रदान करना, यानी कि इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा पूंजीगत निवेश हेतु राज्य को वित्तीय सहायता योजना के तहत 21-22 में आपको 10,000 करोड़ रुपये आवंटन किया गया था, बल्कि 21-22 में जो होगा 15,000 करोड़ रुपये का भी आवंटन किया गया था, ठीक है। सभी निवेशों को प्रेरित करने हेतु राज्यों की सहायता के लिए वर्ष 2022-23 में 1,00,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन, यानी कि अगर 15,000 था 1,00,000 और मतलब 16,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वर्ष 2022-23 में राज्यों की जो GSDP है ना, कि 4% राजकोषीय घाटे की अनुमान है, जिसमें 0.5% विद्युत क्षेत्र के सुधार से संबंधित है। गॉट इट, ये हमने बजट पढ़ लिया, अपना सेंट्रल बजट पढ़ लिया, उसके जो चार जो प्रायोरिटाइज किया गया था उसको हमने देख लिया। अब हम कर प्रस्ताव देखते हैं, इसमें ये है कि गलतियों को ठीक करने हेतु करदाताओं को 2 वर्ष के भीतर अद्यतन रिटर्न दायर करने की अनुमति दी जा रही है, ठीक है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के NPS खाते में कर्मचारियों की कर कटौती सीमा को 10% बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। विकलांग व्यक्तियों के लिए कर में राहत दी गई है। सहकारी समितियों के लिए 18.5% की वैकल्पिक न्यूनतम कर दर को 15% कर दिया गया है। सहकारी समितियों जिनकी आय 1-10 करोड़ रुपये तक है, वे वर्तमान अधिभार दर 12% में कमी करते हुए 7% कर दिया गया है। कर संबंधित प्रोत्साहन देने के लिए पात्र यानी स्टार्टअप्स को शामिल करने की अवधि मार्च 2022 में वृद्धि मार्च 2023 तक किया गया है। आभासी परिसंपत्ति के अंतरण से होने वाली आय पर 30% का कर शामिल कर दिया गया है। और 9 गिमित विनिर्माण कंपनियों की धारा 115 ख ख ख यानी कि BAB के तहत विनिर्माण या उत्पादन का आरंभ करने की अंतिम तिथि की बात करें तो कितनी है, मार्च 2023 में वृद्धि करके मार्च 2024 कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका AOP यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन पर अधिभार 37% की सीमा में कमी करके 15% कर दिया गया है। और आय या लाभ पर लगने वाले किसी भी सरचार्ज या उपकर को व्यापारिक व्यय न मानना, ये नया चीज़ दिखा है। हस्तांतरण से उत्पन्न दीर्घावधि पूंजी अधिलाभ पर अधिभार की उच्चतम सीमा कितनी कर दी गई है, 15% कर दी गई है। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य वर्ष 2025 तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है, कितना करना है, दोगुना करना है, कब तक, 2025 तक।
पूंजीगत वस्तुओं और परियोजना आयतों में रियायती दरों को धीरे धीरे समाप्त करना और 7.5% की आसान टैरिफ दर लागू करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के प्रोत्साहन हेतु काटे एवं दरासे गए हीरे एवं रत्न पत्रों पर सीमा शुल्क कितना, 5% और छातों पर शुल्क वृद्धि करते हुए 20% करना है। अनब्लेंडेड ईंधन पर 1 अक्टूबर 2022 से 2 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त विभेदक उत्पादन शुल्क का क्रियान्वयन कर दिया गया है। ये था, हमने सेंट्रल बजट पढ़ लिया। आई होप आपको समझ में आया हो, चीज़ें क्लियर हो रही हों। ठीक है, आपको ये मैं पहले ही बता रही हूँ, फैक्ट है, इसे आपको रटना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ समझाने का काम कर रही हूँ। यहाँ से जाने के बाद आप PDF डाउनलोड करिएगा, उसको पढ़िएगा, इसके छोटे छोटे नोट्स बनाइएगा जहाँ से आपको लगता है कि जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि आपका जो सेंट्रल बजट में से हेल्थ में कितने रुपये का आवंटन किया गया है, लास्ट ईयर कितने रुपये का आवंटन किया गया था, उसमें कितने % की वृद्धि हुई है, एजुकेशन सेक्टर में क्या हुआ, अच्छा रेवेन्यू डेफिसिट कितना हो गया है, ये चीज़ पूछते हैं, फिस्कल डेफिसिट कितना हुआ है, अपना जो बजट है, जो अपनी GDP है वो घाटे में चल रही है या वृद्धि हो रही है, जो भी है, ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। मैंने आपको इजी वर्ड में समझाने की कोशिश की है, जहाँ तक मेरे से हो पाया है। बाकी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी डाउट हो रहा है, प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगी उस चीज़ को इम्प्रूव करने की। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर अपने चलते हैं, आर्थिक समीक्षा। हमने बजट देख लिया, अब हम आर्थिक समीक्षा देखेंगे, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 21-22 की आर्थिक समीक्षा को हमारे वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण द्वारा 31 जनवरी 2022 को संसद में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा का मूल विषय क्या था, इसकी अगर थीम की अगर हम बात करते तो अत्यधिक अनिश्चितता की इस स्थिति में नीति निर्माण के लिए कला और विज्ञान। ठीक है, और अगर इसकी सेंट्रल थीम की हम बात करते तो चुस्त दुरुस्त, कि यह इसका त्वरित दृष्टिकोण था, ये इसका थीम था, ये याद कर लीजिएगा आप, ये इम्पोर्टेंट है। यह आर्थिक समीक्षा हाल के वर्षों में 2 खंडों से सिमट कर 1 खंड में हो गई है। ठीक है, पहले जो 2 खंडों में होती थी इकोनॉमिक सर्वे, वो 1 खंड में ही आ गई है। जो आंकड़ों को दर्शाने वाली तालिकाओं को एक अलग खंड में रखा गया है, ये अभी हम देख लेंगे। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में 7.3% का संकुचन रहा, यानी कि कमी रही, जबकि वर्ष 2021-22 की बात कर लें तो हेतु ये 9.2% अनुमानित है, यानी उसमें 7.2% हुआ है, और अगर हम 21-22 की बात करें तो 9.2% का संकुचन हमें ऐसा अनुमान हो रहा है कि ऐसा होगा। वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर आपका 8 से 8.5% अनुमानित है, जो विश्व बैंक एवं एशियाई विश्व बैंक द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर हेतु अनुमानित आंकड़े जो है ना, क्रम से 8.7% और 7.5% के अनुरूप है। जनवरी 2022 में जो IMF है, एक संस्था है, वो एक रिपोर्ट जारी करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, यानी कि विश्व आर्थिक आउटलुक, उसके अनुसार अगर उस रिपोर्ट के अनुसार हम बात करते हैं अपने GDP की, तो 21-22 हम 22-23 के लिए, 2021-22 और जो 22-23 चल रहा है उसके लिए भारत की वास्तविक जो GDP है ना, वो 9% की दर से वर्ष 23-24 नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर की बात कर ले तो 7.1% की दर से वृद्धि अनुमान। आगे बात समझने, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह आंकड़ा भारत को इन 3 वर्षों में वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते अर्थव्यवस्था में पेश करता है। ठीक है, अगर हम अपना देखते हैं IMF की जो विश्व आर्थिक आउटलुक का रिपोर्ट निकला उसके हिसाब से आंकड़ा देखते हैं, तो उसके हिसाब से क्या बताया गया है, जो भारत है लास्ट जो नेक्स्ट 3 साल है ना, उसके अनुसार वैश्विक स्तर पर सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में पेश करता है। ठीक, आप इसको अपने आंसर में भी, अगर इकोनॉमिक का आ गया आंसर या फिर इंटरव्यू में आपसे पूछा गया, तो आप इस पे आंसर में भी कोटेशन करते हैं, हाँ सिर्फ घाटा नहीं हो रहा है, जो लास्ट 3 इयर्स के जो आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर, इसमें हम आशा करते हैं कि जो हमारा जो देश है वो बढ़ेगा, उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो तेज़ी से बढ़ेगी। किसके अनुसार, ये हम नहीं बता रहे हैं, जो हमारा IMF का विश्व वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है उस रिपोर्ट के अनुसार। तो अगर आप किसी डाटा का अगर आप सहारा लेके कोई बात अपना रखते हैं एग्जामिनर के सामने, तो वो ज़्यादा उसमें ना जो आंसर होता है ना, उसमें आपकी एक एज आ जाती है, इसमें क्या कहते हैं, उसमें वजन आ जाता है, इस तरीके का होता है कि वो किसी का डाटा आपको एग्जामिनर काट सकता है, लेकिन जो वर्ल्ड का जो डाटा निकल रहा है उसको तो नहीं काट सकता ना, उसमें तो कुछ नहीं वो निकाल सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
वित्तीय वर्ष 2020-21 की अगर बात करें तो कृषि की वृद्धि दर कितनी हुई थी, 3.6%, जबकि 21-22 में 3.9% हुई है। यानी कि हमारा एग्रीकल्चर जो फील्ड है ना वो बढ़ा है, क्योंकि कोविड में सब कुछ बंद था, एग्रीकल्चर ही चल रहा था। इसलिए अगर 21-22 के दौरान उद्योग और सेवा क्षेत्र की बात करें ये कम होगा, 11.8% और 8.1% की वृद्धि दर अनुमानित है 21-22 में, जबकि 20-21 में पता है कितना हो गया था, माइनस में चल रहा था ये, -7% है, -8.4%, क्योंकि कोविड का टाइम था, लॉकडाउन चल रहा था, सारी चीज़ें बंद थी। तो ऑब्वियस बात है जो ये सेक्टर है, जो सेवा वाला सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर है, वो तो बंद था, तो फिर इसमें कहाँ से वृद्धि होगी, माइनस में ही चलेगा। अगर हम हिस्सेदारी के परिषद में बात करते हैं तो यहाँ पर डाटा दिया गया है, यानी कि कृषि और संबंध क्षेत्र की बात करें तो 19-21 में क्या था, 18.4% था, फिर 20-21 में 20.2% हो गया, फिर 21-22 में 18.8% हो गया। ठीक है, इस तरीके से पहले कितना था, 18, ये पहले कम था, फिर 20 में बढ़ा, कि 20-21 में बढ़ा, फिर 21-22 में ये कम हो गया। उद्योग की हम बात करें तो 26.7% 19 में था, आपका 20-21 में 25 था, फिर 21-22 में ये बढ़ के 28.2 हो गया। ठीक है, फिर खनन उत्खनन की बात कर रहे हैं तो 19 में आपका 1.9 था, फिर अब 20-21 में 1.6 हो गया, फिर 21-22 में 2.3 हो गया। ये सारे मैं आपको PDF दे दूंगी, आप सारे ये डाटा यहाँ से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब 19-20 में क्या था, फिर 20-21 में क्या हुआ, 21-22 में क्या हुआ। ये हम हर एक क्षेत्र में, जैसे आपका कृषि का हो गया, बिजली का हो गया, जो भी सेवाएँ हो रही वो हो गया, परिवहन का हो गया, आपका हेल्थ का हो गया, सारी चीज़ें, ठीक है, ये दी हुई है, आप इसको वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब हम प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय इनकम यानी कि पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम की बात करते हैं, 21-22 का भी डाटा यहाँ पे है, कितना था, वर्तमान कीमतों से की अगर हम बात कर रहे हैं तो कितना था, 15,326, और स्थिर कीमतों की बात करें तो 93,973। ठीक है, ये चीज़ें, बाकी हम ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग की बात कर ले तो कितना सेविंग हुई है, यहाँ पर 18, 19 और 19-20 का डाटा दिया गया है। 18-19 में 30.6% की हुई थी सेविंग, जिसमें घरेलू क्षेत्र में 19.3, निजी निगम क्षेत्र में 10.6 और सार्वजनिक क्षेत्र की अगर हम बात करते तो 0.7 था। और 19-20 की अगर हम बात कर लें तो यही घरेलू क्षेत्र में 19.3 से 19.6 हो गया था, और निजी निगम क्षेत्र में यही 10.6 से 10.7 हो गया था, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र की अगर बात करें तो जहाँ 0.7 था ना 18-19 में, वहीं 19-20 में ये 1.1% हो गया था, यानी कि 30.6 से ये बढ़कर 31.4% हो गया था। जिसकी हम बात करें ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग की, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हम चलेंगे जो तीन शीर्ष उत्पादक राज्य ना, कि सबसे ज़्यादा फसल उत्पादन राज्य कौन कौन से स्टेट किया है 2021 के अनुसार। चावल, अगर हम चावल की बात कर रहे हैं तो चावल में अपना पश्चिम बंगाल फर्स्ट पे था, सेकंड पे अपना उत्तर प्रदेश था, और थर्ड पे अपना पंजाब था। परसेंटेज नीचे दिया गया है, आप जाके PDF देके इसको पढ़ लीजिएगा। गेहूँ की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश था, दूसरे पे मध्य प्रदेश था, तीसरे पे पंजाब था। ठीक, मक्का की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पे आपका कर्नाटका था, दूसरे पे मध्य प्रदेश था, तीसरे पे महाराष्ट्र था। कुल मोटे अनाज की बात करें तो राजस्थान फर्स्ट पे था, दूसरे पे कर्नाटका था, तीसरे पे महाराष्ट्र था। ठीक है, आपको आई होप ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब हम रहर यानी कि जो दाल होती है रहर की, तूर की दाल, उसकी बात करते हैं तो अपना महाराष्ट्र फर्स्ट पे था, कर्नाटका सेकंड पे था, तेलंगाना थर्ड पे था। कुल दालें की बात कर ले रहे जो भी हर प्रकार की दाल की बात करें तो अपना मध्य प्रदेश फर्स्ट पे था, राजस्थान दूसरे पे था, महाराष्ट्र तीसरे पे था। चना की अगर हम बात करते तो अपना पहला मध्य प्रदेश था, दूसरा महाराष्ट्र था, तीसरा राजस्थान था। कुल खाद्यान्न की बात करते तो पहले पे उत्तर प्रदेश था, दूसरे पे मध्य प्रदेश था, तीसरे पे पंजाब था। मूंगफली की बात करते तो पहले पे गुजरात था, दूसरे पे राजस्थान था, तीसरे पे तमिलनाडु था। सरसों की बात करें तो पहले पे राजस्थान था, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे हरियाणा। सोयाबीन की बात करें तो पहले पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे मध्य प्रदेश, पहले पे महाराष्ट्र है सोयाबीन में, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, और तीसरे पे राजस्थान है। तिलहन जो भी है, तेल से तेज रेट, जैसे सरसों हो गया, तिल हो गई, ये सारी चीज़ें होगी, इस पे राजस्थान आपका पहले पे था, और राजस्थान आपका पहले पे था, दूसरा पे आपका महाराष्ट्र था, तीसरे पे आपका मध्य प्रदेश था। ठीक है, और गन्ने की बात करें तो पहले पे आपका उत्तर प्रदेश था, दूसरे पे आपका महाराष्ट्र था, तीसरे पे आपका कर्नाटका था। और वहीं हम कपास की बात करें तो पहले पे महाराष्ट्र था, दूसरे पे गुजरात था, तीसरे पे तेलंगाना था। और अगर वहीं हम जूट की बात कर रहे हैं तो पहले पे पश्चिम बंगाल, दूसरे पे बिहार, तीसरे पे असम। ये सारा डाटा मैं एक बार ऐसे आपको पढ़ के बता दी हूँ, आप जाके PDF लेके इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके डाटा को याद कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया। बाकी शीर्ष आयात की वस्तुएं,
कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने आयात की हैं, यानी कि इम्पोर्ट की हैं, बाहर से मंगाई हैं अपनी देश के जनता की ज़रूरतों के हिसाब से। पहला पेट्रोलियम, पेट्रोलियम हमने मंगवाई है 19-20 में, हमने कितना मंगवाए थे 21.6, 20-21 में 15.1। क्यों कम हो गया? क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था, ट्रांसपोर्ट चल नहीं रहे थे, पेट्रोलियम की इतनी ज़रूरत हो नहीं रही थी, फैक्ट्रीज वगैरह बंद थे, इसलिए हमने कम आयात किया था 15.1। लेकिन 21-22 में ये 19.2 हो गया। ठीक है, सोना, सोना की बात कर रहे हैं तो हम 5.9 19-20 में, फिर 8.8, फिर 8.7। पेट्रोलियम की बात कर लें, फिर से पेट्रोलियम उत्पाद, यहाँ क्रूड की बात की, यहाँ उत्पाद की बात की, तो 5.9, 5.9, 6.3। मोती की बात करें 19-20 में 4.7, 20-21 में 4.8, और 21-22 की बात करें तो 5। और कोयला वगैरह की बात करें 19-20 में 4.7, 20-21 में 4.1, और 21-22 में 4.9। ठीक है, ये हम इतनी सारी चीज़ें इम्पोर्ट किए हैं, जिसने हमारा पेट्रोलियम, पहले पे हम पेट्रोलियम क्रूड जो हम इम्पोर्ट करते हैं, फिर आपका सोना हो गया उसको इम्पोर्ट करते हैं, फिर पेट्रोलियम उत्पाद जो हो गया उसे इम्पोर्ट करते हैं, फिर जो मोती और कीमती पत्थर हो गए उसे हम बाहर से मंगाते हैं, कोयला वगैरह हो गया उसे बाहर से मंगाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हम 5 चीज़ें ना जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं बाहर से, वो ये सारी चीज़ें। अब 5 कौन से कंट्री हैं जहाँ से हम इम्पोर्ट करते हैं? पहले अपना चाइना ही है। ठीक है, चाइना से कितना भी चाइनीज सामान का बहिष्कार को बहिष्कार करो, लेकिन फिर भी हम चाइना से 15.5% चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की बात करें 7.3%, अमेरिका की बात करें 7.2%, सऊदी अरेबिया की बात करें 5%, और इराक की बात करें 4.9%। कौन कौन से? चाइना, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरेबिया और इराक। ये हमने इम्पोर्ट का देख लिया। अब ऐसे कौन से देश हैं जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं? ठीक है, जिसको हम सामान भेजते हैं, हम मंगाते हैं तो हम बेचते भी हैं। तो पहले हम अमेरिका को बेचते हैं, अमेरिका को हम 18.4% सामान की हम निर्यात करते हैं, फिर हम संयुक्त अरब अमीरात को करते हैं 6.6% के साथ, फिर हम थर्ड पे चाइना को भी करते हैं 5.9%। यहाँ देखिए, चाइना से हम 15.5% चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन भेज कितना रहे 5.9% ओनली। फिर बांग्लादेश पे हम 3.5% और हांगकांग में हम 2.8%। ये 5 देश हैं जहाँ पे हम निर्यात करते हैं। ये निर्यात तो बहुत देशों में करते हैं, लेकिन ये टॉप 5 कंट्री हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पे हम चलते हैं शीर्ष निर्यात की वस्तुएं। ठीक है, अब हम जो टॉप एक्सपोर्ट जो कमोडिटीज़ है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ें हम निर्यात करते हैं, सबसे पहले हमने बता लिया कि हम क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम आयात करते हैं, यानी कि क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो इम्पोर्ट करते हैं, इन द सेंस मंगाते हैं अपनी जनता के लिए, जिस जो हमारे देश में नहीं मिलती हम बाहर से उसको आयात करते हैं, हमने बता लिया। क्या क्या हम निर्यात करते हैं? पहला हम निर्यात करते हैं पेट्रोलियम उत्पाद। ठीक है, फिर हम दूसरे पे करते हैं मोती पत्थर, तीसरे पे करते हैं लौह एवं इस्पात, चौथे पे ड्रग फॉर्मुलेशन एंड बायोलॉजिकल चीज़ें, फिर स्वर्ण एवं अन्य कीमती धातु के आभूषण। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आयात भी करते हैं, निर्यात भी करते हैं। ठीक है, ये हो गया 19-20 का डाटा इधर है, 20-21 का डाटा इधर है, और 21-22 का डाटा इधर है, आप लोग देख लीजिएगा। हमने पढ़ा आज क्या क्या? हमने सेंट्रल बजट पढ़ लिया, सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिया। ठीक है, आपको आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कल वीडियो नहीं आ पाई थी, सॉरी, मैं थोड़ी सी बिजी थी, मेरे भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इस वजह से उसके डिले होने के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बट आज वीडियो जा रही है, मैं सोच रही हूँ आज मैं बैक टू बैक 2 वीडियोज़ पोस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अभी इसमें हमने सेंट्रल बजट और इकोनॉमिक सर्वे देख लिया सेंट्रल का, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने डिस्कस कर लिया। अभी ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड करा देती हूँ, आप वहाँ से चेक कर लें। अभी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसमें हम अपने बिहार का बजट देखेंगे और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे, क्योंकि अभी 8 को पेपर है, तो मैं सोच रही हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं पहले डिस्कस करा दूँ, उसके बाद से फिर जो बाद का बचेगा उसको देखेंगे, क्योंकि ये जो सेक्शन है यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, और ये एक दिन पहले आप लेके बैठेंगे तो आपको क्लियर भी नहीं होगा। तो अभी तो अगर आज 3 तारीख है तो अभी 4-5 दिन का टाइम है, 4 दिन का टाइम है, तो फिर यहाँ से मैक्सिमम चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन तो क्लियर हो ही जाएंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आ रही हूँ बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे पे। ठीक है, जो इससे पहले की वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ उस वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में शेयर करें। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।